उज्जायी प्राणायाम, संस्कृत का जो ये शब्द है ना उज्जायी, खुद ही अपने नाम का मतलब बता रहा है। उज्जायी का मतलब हुआ विजय, विजय प्राप्त करना, विक्ट्री, यानी विक्ट्री किस चीज पे, विजय किस चीज पे, आपके मन पे, आपकी मन में जो अशांति है, मन की जो अनकंट्रोल्ड स्पीड है उसको शांत करना, उसको काम डाउन करना, और ये सब हम करेंगे अपनी सांसों की मदद से। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो जब भी आप उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करें ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखें कि चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई एक्सप्रेशन चेंज ना करें, बड़ी ही सहज तरीके से सांस लेना है और सांस छोड़ना है। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं, तो भी इस प्राणायाम का अभ्यास आप कम ही करें। इसके अलावा इस प्राणायाम का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अब लाभ की बात करें, लाभ आपके मन को शांत करता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। आपके थ्रोट की इन्फेक्शन, गले से रिलेटेड जो भी समस्या है, कॉमन कफ, कोल्ड, फ्लू, वायरस, बैक्टीरिया के प्रकोप से आपको बचाता है। साथ ही थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का जो से निकलने वाले जो हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके सिक्रेशन को ये बैलेंस करता है। जिन भी लोगों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, स्लीप एपनिया की शिकायत है, रात में नींद नहीं आती, इंसोमनिया की समस्या है, बहुत चिंताग्रसित होते हैं, वो सारे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास करें। जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर का जिनको शिकायत है, हाई बीपी है और हाइपरटेंशन, दिल के मरीज है, इस प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपका जो ध्यान लगाने में परेशानी होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपकी ध्यान की क्वालिटी और अधिक इंप्रूव होगी। मन शांत होगा, आपका नर्वस सिस्टम शांत होगा, सारे के सारे हॉर्मोन्स का जो सिक्रेशन में इंबैलेंसेस होते हैं वो सारे सही हो जाएंगे। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो गुस्सा शांत हो जाएगा, चेहरे पर एक अलग सी चमक, अलग सी तेज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उज्जायी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजिशन में बैठ गए, लेकिन अगर घुटनों में दर्द है तो आप पैरों को खोल कर भी बैठ सकते हैं या कुर्सी में बैठ कर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करनी है। अब सांस लेने और छोड़ने की जरा जो टेक्निक है उसको समझते हैं। जब आप सांस लेंगे तो थोड़ा सा आपका जो गला है ना उसको हल्का सा टाइट करना है, लेकिन गले का कौन सा हिस्सा आपको टाइट करना है, इमेजिन कीजिए आप बहुत धीरे धीरे किसी से कान में किसी के कुछ बोल रहे हैं या बहुत धीरे धीरे फोन पे आपको बात करनी है, तो आप कैसे करेंगे? हेलो, 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 हेलो। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आप थोड़ी सी हरकत होती हुई, मूव होती हुई देखेंगे, तो आपके गले के इसी हिस्से को हल्का सा टाइट करना है और जब सांस लेंगे नाक से तो वो गले को होती हुई आपकी सांस अंदर जाएगी और गले से ही होती हुई वो सांस बाहर जाएगी, तो गले में एक तरीके का फ्रिक्शन, एक तरीके का घर्षण होगा। मैं आपको कुछ राउंड करके बताती हूँ सो दैट आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएं। गहरी लंबी सांस ली, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, चिन मुद्रा में बैठे हैं, चेहरे पर एकदम अच्छा सा खूबसूरत स्माइली फेस, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है। नाक से सांस ली, गले को हल्का सा टाइट किया और नाक से ही सांस बाहर। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। देखा आपने, आपको ऐसा फील करना है कि दूर से समुंदर से आती हुई जो आवाज है ना वो इस तरीके से
आप जब दूर समुंदर से आती हुई आवाज़ कैसी आती है, इसी तरीके से जब आपके गले से सांस घर्षण करती हुई, फ्रिक्शन करती हुई अंदर और बाहर आ रही है। और आपने देखा होगा आपके घर पे जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जब वो सांस लेते और छोड़ते हैं उनके गले से भी इसी तरीके की कुछ आवाज़ आती है और वो बहुत सुकून से सोते हैं। कभी नोटिस नहीं किया है तो अब जाके नोटिस ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से गले को हल्का सा टाइट करके और फिर उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आपको हर दिन उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करना है। मैं भी आपको वापस से 10 राउंड बिगनर किस तरीके से करेंगे मैं एक बार आपको करके बताती हूं। गहरी लंबी सांस ली नाक से, आँख डायरेक्टली ना खोलें, इस तरीके से हाथों को रगड़ लें, फिर उसको अपनी आँखों के ऊपर रखें। दोनों हाथों को वापस से अपने घुटनों के ऊपर रख दिया, सर को डाउन साइड टर्न किया, आँखों को ब्लिंक किया और फिर धीरे धीरे आँखों को खोल लिया। मात्र 10 से 20 राउंड ही अगर आपने इसका अभ्यास कर लिया तो एक तरीके की लाइटनेस आप फील करेंगे। अब जब आप कुछ हफ्तों और कुछ महीनों का अभ्यास कर लें इस तरीके से, तो आप इस अभ्यास को एक लेवल आगे तक ले जा सकते हैं खेचरी मुद्रा लगा के। किस तरीके से, जीभ को मैंने बाहर निकाला, आंखें बंद कर ली, जीभ को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाएं और जीभ को टर्न कर लें। हो सकता है शुरू शुरू में परेशानी हो, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ अभ्यास से हो सकती हैं। इस तरीके से जब जीभ में दर्द होने लगे, जीभ को सीधी कर लें और नॉर्मल सांसें लें। और इस अभ्यास को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब एक स्टेप और हायर अपनी प्रैक्टिस को लेके जाते हैं हम। उज्जायी प्राणायाम के साथ लगा देते हैं बंद। बंद कौन से, जलंधर बंद, और हम करेंगे रूट लॉक यानी मूल बंद अप्लाई करेंगे। इन दोनों बंधों को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जलंधर बंध की बनाई हुई है और मूल बंध की भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, प्लीज उन वीडियो को देखिए, समझिए कि किस तरीके से कौन सी जगह है जो मूल बंध है, कौन सी जगह है जलंधर बंध है, और उसके बाद फिर इस अभ्यास को आप आगे करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, बंध को अप्लाई करके आराम से कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजिशन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, नाक से सांस ली, गले को हल्का सा टाइट करते हुए गले से घर्षण करती हुई हवा अंदर की तरफ आई। अब अपनी चिन को कोलर बोन की तरफ ऐसे डाउन कर दिया और अपना जो रूट लॉक है, पेरिनियम एरिया है, उसको अंदर की तरफ सक किया। ध्यान रखिएगा, ना तो पेशाब का एरिया ना गुदा द्वार, उसके जस्ट बीच का एरिया, उसको आपको अंदर की तरफ सक करना है, संकुचित करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और कुछ देर होल्ड करना है। और कुछ सेकेंड अगर आपको लगे कि आपको अब सांस बाहर छोड़नी है, तो पहले अपना रूट लॉक
छोड़िए, रिलीज कीजिए, फिर अपना जलंधर बंद रिलीज कीजिए एंड एक्सहेल। कुछ राउंड में आपको करके बताती हूं। इनहेल, तो देखा आपने किस तरीके से पहले मैंने थ्रोट लॉक किया, थ्रोट लॉक अपने चिन को कोलर बोन की तरफ ऐसे झुका दिया और अपनी छाती को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, जिससे चिन लॉक अच्छी तरीके से लग गया, यानी थ्रोट लॉक अच्छी तरीके से लग गया जलंधर बंद। फिर मैंने जब मूल बंद लगाया तो अपने पेरेनियम एरिया को, ना तो आपके लाइक जेनाइटल पार्ट को, ना आपके गुदा द्वार को, उसके जस्ट बीच का सेंटर का जो एक पॉइंट है, सिर्फ उस पर ध्यान लगाया और उसको अंदर की तरफ खींचा। तो गहरी लंबी सांस ली, सांसों को अंदर की तरफ रोका, यानी आंतरिक कुंभक लगाया, और फिर बंद लगा के सांसों को होल्ड किया। और फिर जब सांस छोड़ रहे हैं तो पहले मूल बंद रिलीज किया, फिर जलंधर बंद रिलीज किया, सर को उठाया और सारी की सारी सांस बाहर छोड़ दी। मैं आप और करके बताती हूँ सो दैट आप अच्छी तरीके से समझ जाएं कि किस तरीके से उज्जायी प्राणायाम करते हुए आप बंद को अप्लाई करेंगे। रिलीज योर मूल बंद, रिलीज योर जलंधर बंद, एक्सहेल। Inhale. Exhale. लास्ट राउंड में एक बार और कर रही हूँ इनहेल। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ा और आराम से आंखों के ऊपर रख दिया। दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखा, गर्दन को डाउन साइड टर्न किया एंड धीरे धीरे आंखों को खोल लिया। तो अब जब बंद के साथ उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 9 से 9 राउंड 7 राउंड इतना कर लिया वो आपके लिए काफ़ी है, और धीरे धीरे फिर आप अपना अभ्यास बढ़ाते रहें। कोशिश करें कि गुरु की निगरानी में अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर एक इंसान की जो बॉडी टाइप है, उनकी प्रैक्टिस की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। अब इस प्राणायाम को करना कब है? पहले तो ये कि इस प्राणायाम का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, और जब आप ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान यानी मेडिटेशन लगाएं, तो इस तरीके से उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास कर लें, बंद को अप्लाई कर लें, रिलीज कर लें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर आप मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ें। उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास आप
आसनों का अभ्यास करते वक्त भी कर सकते हैं, जिस तरीके से जब विन्यास का प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग विन्यास का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बीच में भी, आसनों के बीच में रिलैक्स करने के लिए भी हम उज्जायी प्राणायाम, उज्जायी ब्रेथ अप्लाई करते हैं। अब जो भी लोग इस तरीके से बैठने में असमर्थ है, वो कुर्सी पर बैठकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी करके कुर्सी में बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपने चिन्ह मुद्रा में करके अपने घुटने के ऊपर रख लिया, इस तरीके से कमर गर्दन सीधी है। गहरी लंबी सांस ली नाक से, शांति से गहरी लंबी सांस ले नाक से, आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई टेक्निक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप आराम से अब उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट करने में संकोच मत कीजिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।